सभी छात्र छात्राओं को सुबह का नमस्कार है। आज ऑनलाइन पाठ का शुरू करता है। सबसे पहला लेसन है कश्मीरी से। पाठ का नाम क्या है? कश्मीरी से। कश्मीरी से एक कहानी है। पाठ का विधा कहानी है। इस पाठ का लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद, इस प्रेमचंद जी का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद उनका एक और भी नाम से कहता है। पहला उनका एक मूल नाम है, उनका नाम है दनपत राय। इट मीन्स मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? दनपत राय। और टेक्स्ट बुक कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने गया था। कल शाम को एक दिन मुंशी प्रेमचंद चीजें खरीदने के लिए, चीज एक वचन, चीजें बहुवचन, शाम ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಮುನ್ಶಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರೂರಿ ಚೀಜೆ, ಜರೂರಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜರೂರಿ ಚೀಜೆ ಖರೀದನೆ ಕೇಳಿಯೆ ಖರೀದನ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಯ್ ಬೇಚನ ಖರೀದನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಚನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುವುದು। ದೋ ತೀನ್ ಜರೂರಿ ಚೀಜೆ ಖರೀದನೆ ಕೇಳಿಯೆ ಚೌಕ್ ಮೇ ಗಯಾ ಥಾ। ದೋ ತೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅದನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ, ಸರಿ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ದೋತಿ ದೋತಿ ಪೂರ್ವ, ಇದು ಪೂರ್ವ ಪದ, ಇದು ಉತ್ತರ ಪದ। पूर्व और उत्तर एरू पदों प्रधान वादो। जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों भी पद प्रधान होते वह द्वंद्व समास है। एक और भी टेक्निक है द्वंद्व समास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको एक और भी टेक्निक है। दो पदों के बीच में हाइफन योजक चिन्ह है। यहा समास पद मध्य योजक चिन्ह इतने हाइफन इतो अदी ना द्वंद्व समास अंत। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸನೆ ನೋಡಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕೌರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ ಮಾತಾ ಪಿತಾ, ಮಾತಾ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ ಪಿತಾ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್। ಜಿಸ್ ಸಮಾಸ ಮೇ ಪೂರ್ವ ಔರ್ ಉತ್ತರ ದೋನೋ ಬಿ ಪದ, ದೋನೋ ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಹೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ ಸೋ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಕಾತೆ ಹೈ। ತು ದೋ ತೀನ್ ಜರೂರಿ ಚೀಜೆ ಖರೀದನೆ ಗಯೆ ಥೆ। एक बार मुंशी प्रेमचंद दो तीन जरूरी चीजें खरीदने के लिए कहां गए थे? चौक में गए थे। चौक में क्यों गए थे? दो तीन जरूरी चीजें खरीदने के लिए गए थे। पंजाबी मेवा परोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। पंजाबी मेवा परोशा, मेवा परोशा मीन्स मेवा मीन्स व्यापारी, मेवा परोशा मीन्स ताजा फल बेचने वाला, फ्रेश आगिरुवंत हण्णुगळन्नु मारुवनन्न ओंदे वर्डल्ली ऐनु करीतीवि अंद्रे मेवा परोशा। मेवा परोशा ताजा फल बेचने वाला को क्या कहते हैं? मेवा परोशा। सब्जी बेचने वाला को क्या कहते हैं? सब्जी वाले। अनुरूपद में पूछना करता है, चाहता है अनुरूपदल्लि केळबहुदु एनंत सब्जी बेचने वाला, सब्जी वाला है, ताजा फल बेचने वाला को क्या कहते हैं? मेवा परोशा। पंजाबी मेवा परोशा दुकानें रास्ते में पड़ती है। उनका मेवा परोशों का दुकान एक रास्ते में पड़ती है, उन रास्ते रहते हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए। एक दुकान पर अच्छे रंगदार, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬು, ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬುಗಳ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ। ಏಕ ದುಕಾನ್ ಪರ್ ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬು ಕಾ ನಜರ್ ಆಯೇ। ಲೇಖಕ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ನಜರ್ ಆಯಾ? ಲೇಖಕ್ಕೋ ಏಕ ದುಕಾನ್ ಪರ್ ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದ ಕಾ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬು ಕಾ ನಜರ್ ಆಯೇ। ಲೇಖಕ್ಕೋ ಜೀ ಕೋ ಲಲಚಾ ಉಂಟಾ, ಜೀ ಮೀನ್ಸ್
प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी को लेखक को ललचा उठा, ललचा मीन आसे, उनके हास्य आते, उनके हास्य आए तो लेखक को क्यों ललचा उठा, लेखक को हास्य या क्या हास्य आए तो क्वेश्चन क्या बोला है, लेखक को क्यों ललचा उठा, लेखक को एक दुकान पर अच्छे रंगदार गुलाबी सेब का देखकर उनको लालच उठा, तो ललचा उठा, लालच और ललचा दोनों ही है।